नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा हाउ टू यूज योर BMW iDrive। सो अगर आप BMW के फर्स्ट टाइम ओनर हो, आपने पहली बार BMW ली है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि iDrive को प्रॉपरली यूज कैसे करते हैं। हमारी जो बीच वाली स्क्रीन होती है iDrive, वो सारी इससे कंट्रोल होती है। सो इसके अंदर CD का बटन है, मेन्यू का, टेलीफोन, नैव इसके अंदर नहीं है तो इस बटन से कुछ नहीं होगा, रेडियो, बैक ऑप्शन, और इसको आप स्क्रॉल कर सकते हो ऊपर नीचे और लेफ्ट राइट ऊपर एंड नीचे। सो ऑप्शन खोलने के लिए इसको आप नीचे दबाओगे, ये आपका एंटर या ओके बटन है, और मेन मेन्यू में जाने के लिए किसी भी ऑप्शन में आप ये मेन्यू का बटन दबाओगे तो आप मेन मेन्यू में चले जाओगे। अब इसके अंदर जो ऑप्शंस होंगे CD एंटरटेनमेंट में, उसको एक्सेस करने के लिए iDrive को आप लेफ्ट साइड करोगे। जो यहाँ पर प्लस साइन है उसको एक्सेस करने के लिए आप ये ऑप्शन का बटन दबाओगे, एंड आप इसको राइट साइड भी कर सकते हो, दोनों चीज सेम ही है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन है स्विच ऑफ कंट्रोल, इससे आपकी स्क्रीन बंद हो जाएगी बट जो गाने वगैरह आप बैकग्राउंड में चला रहे होगे वो चलते रहेंगे। रात को अगर आप कहीं ड्राइव कर रहे हो तो इस स्क्रीन से आपको कोई ग्लेयर नहीं आएगा, एंड स्क्रीन को वापस लाने के लिए बस आपको ये बटन प्रेस करना है। ये जो शॉर्टकट बटन है इस पे आप क्विकली कोई भी मेन्यू से सीधा CD में जा सकते हो, एंड रेडियो में टेलीफोन का मतलब है जो हमारे ब्लूटूथ से टेलीफोन कनेक्टेड होगा। किसी भी मेन्यू में अगर आप ये शॉर्टकट बटन से दबाते हो तो आप उस स्पेसिफिक मेन्यू में चले जाओगे, जैसे CD, रेडियो, टेलीफोन। नैव का बटन काम नहीं करता क्योंकि इसके अंदर नैव इंस्टॉल्ड नहीं है कंपनी से। अभी हम CD मल्टीमीडिया में अगर मैं रेडियो का बटन दबाता हूँ तो हमारा रेडियो खुल जाएगा, एंड अगेन जो भी हमको सिलेक्ट करना है स्टेशन या फिर जो भी हमको सॉन्ग सिलेक्ट करना है उसको आप इससे स्क्रॉल कर सकते हो एंड प्ले करने के लिए इसको प्रेस करोगे। रेडियो से पहले जो आपने ऑप्शन खोला हुआ था उसके अंदर जाने के लिए आप ये बैक का बटन दबाओगे एंड वो पुराना मेन्यू खुल जाएगा। जैसे हम पहले CD मल्टीमीडिया से रेडियो पे गए थे, बैक का बटन दबाया तो हम CD मल्टीमीडिया में वापस आ गए। यहाँ पर हमेशा बटन दबाने की जरूरत भी नहीं होती। अगर आप ऐसे मेन्यू के अंदर हो तो आप इसको सिंपली राइट क्लिक करोगे तो आपका ऑप्शंस खुल जाएंगे, और किसी भी टाइम मेन मेन्यू में जाने के लिए आपको ये मेन्यू का बटन दबाना है तो आप मेन मेन्यू में चले जाओ। दोस्तों ये था ओवरव्यू इसका कि आप इसको यूज कैसे करते हो। अगर आपको पूरा डिटेल चाहिए, एक एक ऑप्शंस के अंदर जाके मैं बताऊंगी इसमें iDrive में BMW में क्या क्या होता है, स्पेशली अगर आपके पास पुरानी BMW है तो नीचे कमेंट करके बताओ। मैं न्यू ओनर्स के लिए जिन्होंने BMW पहली बार ली है उनके लिए एक बिगिनर्स गाइड बना दूंगा, मतलब हर ऑप्शन में क्या क्या ऑप्शंस आप यूज कर सकते हो, क्या ऑप्शंस नहीं यूज कर सकते इस BMW iDrive के, तो वो मुझे नीचे कमेंट करके बताओ। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ध्यान रखो, घर पे रहो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।